हेलो गाइस, मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं काली दाल और राजमा। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहना चाहूंगी, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक बाउल में पानी ले लिया है। इसमें मैं आधा कटोरी करीबन काली दाल ले लूँगी। क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो ये 150 ग्राम के करीबन दाल है। अब इसी में मैं 50 ग्राम के करीबन राजमा ऐड कर दूंगी और 50 ग्राम ही मैं इसमें चने की दाल भी ऐड कर दूंगी और इन तीनों को हम ओवरनाइट भिगो देंगे। अगर आप चाहें तो इसे 3-4 घंटे भिगो सकते हैं या फिर अगर जल्दी हो तो गर्म पानी में भी इसे भिगो कर रख सकते हैं। यह 1 घंटे में भीग कर रेडी हो जाएगी। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। ये देखिए, 4 घंटे के बाद मेरी जो दाल राजमा इस तरह से भीग कर रेडी हो चुके हैं। अब इसे मैं एक प्रेशर कुकर में डाल दूंगी इसे विसल लगाने के लिए। इसे 3 विसल और सिर्फ 10 मिनट तक हम पकाएंगे धीमी आंच पर। इसमें पानी डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा कर रख देंगे। तब तक चलिए फ्रेंड्स, हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 3 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्ची ली है। यहाँ 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली है। इन सब को मिलाकर हम पीस लेंगे। मिक्सर के एक जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। देखिए, मैंने एक कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई में तेल डाल दूंगी। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। आप चाहे तो जो भी ऑयल यूज़ करते हो वो ले सकते हैं। ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं लौंग डालूंगी। 2 से 3 लौंग है जिन्हें मैंने हल्का दरदरा कर लिया है। लौंग हमारा भुन जाने के बाद इसमें मैं जो ग्रेवी पीस ली है वो ऐड कर लूंगी। ये देखिए, ग्रेवी जो है हमारी तेल पर आ चुकी है, अच्छे से फ्राई हो रही है। इस स्टेज पे मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लूंगी और इसी के साथ मैं सारे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने टर्मरिक लिया है हल्दी और 1 टेबलस्पून चिली पाउडर यानी लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच के करीबन गरम मसाला पाउडर लूंगी। फ्रेंड्स, ये घर पर पीसा हुआ गरम मसाला है, उसकी रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए, हमारा मसाला जो है फ्राई हो चुका है और अच्छे से तेल पर भी आ रहा है। इस स्टेज पे मैं घर की ही फ्रेश क्रीम ले लूँगी, यानी मैंने मलाई ले ली है। अगर आपके घर पे मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कटोरी क्रीम ले लें और मलाई ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच के करीबन मलाई ऐड कर लें। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मलाई भी हमारी जो है घी छोड़ चुकी है। देखिए, साइड से घी आ रहा है और हमारी जो काली दाल राजमा है वो भी अच्छे से बॉईल होके गल चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो मसाला है वो इस दाल में सारा का सारा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारा दाल में मैंने मसाला जो है ऐड कर लिया है और इसे हल्का सा चम्मच की सहायता से ही मैश कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के अच्छा सा मिक्स करके इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। लग रही है ना बिल्कुल होटल या ढाबे स्टाइल जो दाल होती है काली दाल, वैसी ही दाल मैंने बना ली है। ये हमारी अमृतसरी दाल जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं 1 विसल लगवा दूंगी। फ्रेंड्स, मैं नमक पहले आपको बताना भूल गई थी, तो नमक को हम अब ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने नमक ऐड कर लिया है। ध्यान रखें, दाल जब हम गलाने के लिए डालते हैं तब नमक नहीं डालना है। 1 विसल आने के बाद देखिए, मेरी दाल जो है रेडी टू सर्व है। इसे हम धनिया पत्ती से गार्निश कर